अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ह्यूस्टन देसी राइडर्स के मीटअप पे। राइड करते हैं बहुत, दो साल हो गए हैं। यामाहा MT-03 जेके, ये जेकेटी ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं 500 की है। अच्छा, वो कैलिफोर्निया में थे, यू नो, कैनियन जा रहे, 600 जा रहे, वो ये टोपांगा, ये वो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ह्यूस्टन देसी राइडर्स के मीटअप पे। ह्यूस्टन देसी राइडर्स जो है, यहाँ पर जो एक ह्यूस्टन के जो लड़के हैं, बाइकर लड़के जो हैं, उनका जो है एक ग्रुप टाइप है फेसबुक के ऊपर। तो जो है कल 2-3 दिन पहले मैंने उनसे बात करी थी, तो आज उनकी जो है वो मीटअप है और वो जो है अपना राइड करने जाएंगे। फ्राइडे नाइट है तो जो है सब चल मारेंगे, तो हम लोग भी जाते हैं उनके राइड पर और देखते हैं कि जो है ना मीटअप के ऊपर कि देखते हैं कि भाई कैसी वो लोग, क्या किस किसके पास क्या क्या मोटरसाइकिल्स हैं, कितने लोग आते हैं उसमें, सारे मिक्स हैं, मोस्टली पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के लड़के हैं। तो चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। संडे मॉर्निंग तो हमारे लिए मुश्किल होता है, संडे मॉर्निंग डे की राइड होती है, सुबह को यहीं पे मिलती है। तो संडे की राइड में फिर आप लोग नाश्ता वास्ता कर निकलते हो? हाँ, असल में इस जगह पे जो हम खड़े हैं ना, ये एरिया को, ये प्लाजा को बोलते हैं मूसा कॉलोनी। तो फूड ट्रक्स वगैरह भी है यहाँ पे। सुबह के नाश्ते के वक्त एक ये रेस्टोरेंट जो गैस स्टेशन के अंदर फैमिली किचन खोला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आलू पराठा, अंडा पराठा और कीमा के नान और हलवा पूरी वगैरह बेचते हैं। अच्छा, और साथ साथ मैक्सिकन ब्रेकफास्ट भी इनका। अच्छा, तो सुबह को मीटअप करते हैं, किसी को चाय चाहिए जो कड़क चाय भी मिलती है। तो हम सुबह पे जो है मीटअप करके यहीं पे और हल्का फुल्का खा के और यहीं से राइड शुरू करते हैं। तो कितनी देर की राइड करते हैं नॉर्मल? हम ये रखते हैं कि यहाँ से थोड़ी हो, कोई एक घंटे की, डेढ़ घंटे की राइड हो वन वे, तो वो बन जाता है। कोई गैल्वेस्टन चले गए कभी कभी, कंट्री रोड जो है वॉलर की तरफ चले गए, या फिर सर्फ साइड चले गए और लेक कॉन्ट्रो चले गए, और उसके आगे छोटे छोटे जो जो मतलब टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ जाते हैं। तो तकरीबन 3 घंटे की बैक एंड फोर्थ राइड करके 3 घंटे की बन जाती है। अब राइड इस तरह करते हैं हम कि वापसी पे जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट है। अच्छा, तो जो लोग भी इकट्ठे हुए होते हैं यहाँ पे, तो वो डिसाइड करते हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के डिसाइड करते हैं कि हमने राइड क्या रखा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अच्छा, तो आप 2 साल से यहाँ पर कर रहे हो, तो आपने जब, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी जो ना अब यहाँ पर सोच रहा हूँ स्टार्ट करने, हम लोग भी सोच रहे हैं, सही है। तो जो है हम लोग देखना चाह रहे हैं कि, क्योंकि मैंने काफी इंटरनेट पर पढ़ा है, लोग बोलते हैं कि आप बिगिनर बाइक से स्टार्ट करो, विच इज लाइक CBR 300 या कावासाकी 300, या फिर उससे थोड़ा नीचे जो चाइना की आ रही, चाइना वाली ना ले, अगर लेनी है सबसे बेस्ट बाइक है 400, वो साथ वाली खड़ी है ना। अच्छा, ये 400। अच्छा, ये सबसे बेस्ट बाइक है, बिगिनर बाइक बेस्ट बाइक है। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 250 से स्टार्ट किया था, लेकिन 250 बहुत स्लो है। अच्छा, ये 400, ये ब्लैक वाली, ये 400 है, आपको मजा भी आएगा इसका। इसकी थोड़ी टॉर्क भी होगी, थोड़ी पिकअप भी होगी, इसकी टॉप स्पीड भी आई थिंक 110-120 जाती है माइल पर। तो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा था, लोग काफी लोगों ने लिखा था CBR 500 जो है, 500 भी अच्छी बाइक है, लेकिन 500 थोड़ी उसकी टॉप स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा आपको। अच्छा, तो 300 या 400? हाँ, 400 बेस्ट, 400 बेस्ट। हाँ, आवाज इसकी बहुत कम है, आवाज कम है, अभी इसमें वो नहीं लगाया हुआ, इसमें एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं लगाया हुआ इसने, ये अभी बाइक रिसेंटली ली है। राइड कर रहे हैं लोगों के साथ, हमें वैसे ग्रुप हमने बनाया तकरीबन मार्च में बनाया था, ये वाला नया ग्रुप बनाया है तकरीबन। अच्छा, महीना ही हुआ। अच्छा,
तो ये भाई जान आपकी बाइक है? या मेरी बाइक। तो कौन, क्या नाम क्या है इसका, कौन से ब्रांड की है ये? ये यामाहा MT03। MT03 350 cc। तो ये बिगिनर बाइक है? बिगिनर ड्राइवर है। तो आप बोले आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो अपनी जो CD70 वगैरह चलती है वो? CD70 125 थी। अच्छा, तो वही चलाते थे। जब US आए तो हमने सोचा कि बाइक तो होनी जरूरी है। सबसे पहले बाइक ले ली। तो तब से ये स्टार्टर बाइक है। बहुत कम यूज करता था मैं। अच्छा। बट जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया तो मैंने एक साल में इतनी चलाई थी जितनी मैंने यहाँ 2 महीने में चलाई। अच्छा, तो मजा आता है फिर। हाँ, अब अच्छे लोग अच्छे हैं। मतलब अच्छे राइडर्स हैं और सिखाते भी हैं सारे कि किस तरह ग्रुप में राइड करनी चाहिए। अच्छा, तो आपने लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है? तो लाइसेंस यहाँ पे आके सबसे पहले बाइक ले ली पहले। फिर यहाँ पे क्लास लेनी पड़ती है बाइक के लिए, स्पेशली क्लास लेनी पड़ती है। तो मल्टीपल हैं यहाँ पे जो आपको करा सकते हैं ऐसे। तो मैंने हार्ली डेविडसन से क्लास ली थी। अच्छा। वो 3 दिन की क्लास होती है, उसमें आप पास होते हैं तो आपको फिर लाइसेंस मिलता है। अच्छा, तो ग्राउंड DME में दिखा कर, फिर DPS में दिखा कर, DPS में दिखा के, वही तो वो सर्टिफिकेट जरूरी होता है लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे। गाड़ी का इतना नहीं होता यहाँ पे, लाइसेंस का इतनी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, बट बाइक की लेनी पड़ती है। पर बाइक हमें शुरू से चलाने आती थी तो प्रॉब्लम नहीं थी। एग्जैक्टली। तो आप 300 को एंजॉय कर रहे हो अपनी? हाँ। इससे आगे बढ़ने का इरादा है या फिर अभी? इरादा जरूर है, बट अभी इनको देख के दिल भी करता है। हाँ। बट ये के आपने इनमें से किसी की बाइक चलाई है? अभी तक चलाई नहीं है, बट वो कावासाकी मेरी फेवरेट है, वो वाली, वो वाली ग्रीन ZX10। हां, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी। अभी आप अपना हाथ साफ कर रहे हो उसके ऊपर। चले, हम लोग की भी बड़ी ख्वाहिश है यार कि हम लोग स्टार्ट करें। तो जब हम लोग लेंगे करेंगे हम तो हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर। हाँ, ये तो हम लोग यही वो कर रहे थे। तो भाई ने बताया अभी वो जो है कावासाकी अच्छी बाइक है, अच्छी बाइक है, लाइट बाइक है ये वाली ना, लाइट बाइक है। पिकअप भी बहुत अच्छा है, स्टार्टर बाइक बहुत अच्छी है। यामाहा ब्रांड बहुत अच्छा है बाइक्स में। लोगों लोग अगर आप देखेंगे ना बाकी ब्रांड्स से कंपेयर में, प्राइस में भी अच्छा है और क्वालिटी में भी अच्छा है। और इसके पार्ट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे और इतने महंगे नहीं मिलेंगे। तो आपने ब्रांड न्यू ली थी? ब्रांड न्यू बाइक थी मैंने। आपको कितने की पड़ी थी अगर मुझे ये? नहीं नहीं, मुझे ये बाइक पड़ी, ये 4,800 की नई बाइक है। अच्छा। बट आप फाइनेंस करके लेते हो तो आपको तकरीबन 2,000 और में, तो 6,800 ओवर द 5 ईयर्स आपको ये पड़ जाए। तो इतनी महंगी नहीं है। फिर उसके बाद ये लवाजमा जैकेट, ये ज्यादा महंगे, ये ज्यादा महंगे जूते। ये जैकेट ही ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं 500 की है। अच्छा। और ये हेलमेट, हेलमेट बड़ा खूबसूरत है आपको? हेलमेट भी आराम से कह सकते हैं, हेलमेट भी 500 से कम आप ले नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि वो तो ये ब्लूटूथ वगैरह सब है इसके अंदर? अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, लेना पड़ेगा। पर करना है, शौक का मोल नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपसे बात करके, बड़ा मजा आया। मुझे द फर्स्ट बाइक इधर मुझे खरीदी थी आई थिंक इन 2002, मगर मैं शुरू से स्पोर्ट बाइक चलाया। फर्स्ट बाइक आपका मजा किस में आया? एक्चुअली ऑनेस्टली यार वो बड़ी रही वो कैलिफोर्निया में थे, यू नो, कैनियन जा रहे हैं, 600 जा रहे हैं, वो ये टुपैंगा ये वो, but it's about that time where I was like, you know, just sit back and chill. Cruiser. Cruiser. मैंने कहा सही है, इसके 2-3 घंटे भी आप ये वाली है, that's really nice. Yeah, thank you. So it's like okay, now I'm settled down. तो आपने इसको कस्टम करा या फिर? Yeah. ये actually hardly है. अच्छा. B road. अपनी बना. अच्छा. They start making night rod. इसके बाद वो भी इन्होंने बंद कर दिया. अच्छा. चलो आया फैमिली को आज छोड़ा, आप लोग बैठो मैं जा रहा हूँ, 3 बजे पहुंचो। लाइक सो मच फन, काफी साल से यहाँ पे, दे नो द राउट। या
जो हमारे पूरे बाइकर क्लब जो है ह्यूस्टन का जा रहा है हमारे आगे। ओए होए 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 होए, जबरदस्त पर मारने मजा आता है सुरंग के अंदर।